आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे हिमसागर एक्सप्रेस की जर्नी में कि सत्या भाई तेलंगाना नहीं दिखाया, तेलंगाना रात से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है। इसीलिए मैंने आज बताया क्या किया, डेडिकेटली तेलंगाना एक्सप्रेस ली और तेलंगाना के छोटे छोटे स्टेशन में रुकती है और उनको कवर करता हुआ नागपुर तक यानी महाराष्ट्र तक ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये निकली चेन्नई गरीब रथ। तेलंगाना एक्सप्रेस की साफ सफाई की तो काफ़ी तारीफ सुनी थी, अब इसका खाने का रिव्यू भी बारी है क्योंकि मेन बात ये है कि ओवरटेक देखने को मिलेगा थोड़ा इसे थोड़ी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाथ में है ईरानी चाय तो आप समझ गए होंगे कि ये जर्नी कहां से शुरू होने वाली है। मैं हूं फिलहाल हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन में, जिसे नामपल्ली के नाम से आप लोग जानते हैं, और आज सफ़र कर रहा हूं तेलंगाना एक्सप्रेस में। जर्नी शॉर्ट है लेकिन तेलंगाना एक्सप्रेस का रिव्यू करने के लिए ये हिस्सा मेन है और काफ़ी है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा तेलंगाना इस ट्रेन से कवर करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अपनी बिरयानी, ईरानी चाय, इन सभी चीज़ों के लिए मशहूर हैदराबाद भारत का चौथा सबसे आबादी वाला शहर है। यहाँ से हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस डेली सुबह 6 बजे चलती है और दिल्ली के लिए सबसे बेहतर, फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। चलिए जल्दी चलते हैं स्टेशन में और आपको दिखाते हैं ट्रेन और हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन। बाकी स्टेशन के बाहर ही यहाँ पे निमराह बेकरी है, यहाँ पे मैं ईरानी चाय मैंने ट्राई की, बहुत ही अच्छी है, साथ में बिस्किट वगैरह भी पैक करवा ली। बेकरी में जो खाने पीने का टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, चाय भी काफ़ी अच्छी थी। अब जल्दी से चलते हैं स्टेशन, बाकी की बात आपसे वहाँ होंगी। और तेलंगाना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही अपनी खड़ी हुई है और यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। छोटी सी गलती मैं करने वाला था, जब मैं स्टेशन में एंटर हुआ मैंने देखा हैदराबाद निज़ामुद्दीन लिखा है, मैंने ध्यान दिया वो दक्षिण है, एक्चुअली वो दक्षिण थी और हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस जो XAP एक्सप्रेस है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। हैदराबाद टर्मिनल प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है और यहाँ पे तीन ही प्लेटफॉर्म इस तरफ जो हैं ये हैं कुछ ऐसे बने हुए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक के पीछे एक ट्रेन है, क्योंकि बाकी जो स्टेशन है लोकल ट्रेन वगैरह के लिए वो एकदम आंखों के सामने आपको एंड होते हुए दिखाई देंगे। खैर डिपार्चर में हो पाए पॉसिबल तो ज़रूर दिखाऊंगा। पीछे हमारे मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस भी आ चुकी है, अभी अपने कोच में चलते हैं एकदम आखिरी में इंजन से, क्योंकि ट्रेन में 7 3-टायर हैं और 2 2-टायर 1 1st AC। आज हम लोग 2 टायर में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा ट्रेन का रिव्यू किया जाए, साफ सफाई वगैरह देखी जाए, देखते हैं कैसी अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस। तो ये है अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस, देखते हैं इंटीरियर कैसा है। पहला इंप्रेशन तो ठीक है, लिटरली यार यहाँ पर देख लो तेलंगाना एक्सप्रेस की जो सीटें हैं ना वो चमक रही हैं, इसीलिए इसे तेलंगाना की शान कहा जाता है और लोग इसे राजधानी से पहले प्रेफर करते हैं। हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, बगल में जो ICF गाड़ी आप देख रहे हैं वो है हैदराबाद की ओर आने वाली मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस। यहाँ दक्षिण एक्सप्रेस अब यार्ड में जाने को तैयार है मौला अली के एल्को लोकोमोटिव के साथ। एक अनोखी बात लगी, यहाँ स्टेशन में कोई बोर्ड देखने को नहीं मिला, बाकी यहाँ पे तो नाम क्या लिखा हुआ है स्टेशन का। सुबह सुबह की ट्रेन जर्नी तो मुझे पसंद है, मतलब सनराइज शॉट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुबह से उठना नहीं पसंद है। वैसे मैं उठा नहीं उस गाड़ी में, मैं आया था बैंगलोर से चलती है एक गरीब रथ एक्सप्रेस सिकंदराबाद तक, उससे आया था सिकंदराबाद, सुबह 4 बजे पहुँचा था यहाँ पर, उसके बाद इस स्टेशन पे आ गया क्योंकि टाइम काटना था, 2 घंटे कहाँ काटता हूँ, वहाँ पे 6:30 बजे ट्रेन का अराइवल था, उससे अच्छा यहीं आ गया और यहाँ से अपनी ट्रेन जर्नी को शुरू किया मैंने। चेन्नई हैदराबाद एक्सप्रेस,
इतने सारे कबूतर एक साथ। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत सी सनराइज। अभी हम लोग नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं जो कि हैदराबाद के अंदर ही है। दोस्तों वो जो लाइन है ना वही आ रही है विकाराबाद से, वैसे आप बेंगलोर वाली लाइन भी कह सकते हो। वैसे बेंगलोर के लिए एक लाइन वाया कचीगुड़ा भी गई हुई है, पर मेन लाइन यही है जिससे राजधानी वगैरह आती है, और राजधानी हमारे पीछे पीछे आ ही रही होगी। वैसे हम लोग हुसैन सागर लेक के ही चक्कर काट रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो। हैदराबाद से चले और उसके बाद हुसैन सागर जंक्शन से सिकंदराबाद की ओर बढ़ गए, और संजय भैया पार्क होते हुए पहुँचेंगे। और वैसे साइड में आपको पार्क भी दिख ही रहा होगा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है लेक के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि तब से लेक ही लेक दिख रही है मेरे को। सामने जो ट्रेन आ रही है शायद इसकी वॉशिंग की जाए यहाँ पे, देखते हैं गाड़ी कौन सी। वैसे लोकोमोटिव काफ़ी चमचमा रहा है एकदम, 30448WP7। ये केवल रेक्स हैं लग रहा है, एम्प्टी रेक्स। इंस्पेक्शन कार भी है इसमें DRM सर वाली, अभी एक नहीं दो। वाओ इतनी इंस्पेक्शन कार एक साथ मैंने नहीं देखी। थर्ड भी है इसी में, चौथी भी इसी में। लगता है इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन ही है ये क्योंकि फर्स्ट एसी के कोचेस भी हैं इसमें। लगता है हाल ही में किसी रूट का है, किसी गाड़ी का, किसी सेक्शन का इंस्पेक्शन हुआ होगा, इसलिए देखिए परख भी इसमें अटैच है। इंस्पेक्शन स्पेशल परख भी इसमें अटैच है। और यहाँ फाइनली हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं फिर से। वापस से मुलाकात हो गई अपनी यहाँ पे आज। सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है गाड़ी, 6:20 का हमारा यहाँ पर अवे टाइम। हैदराबाद के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन है, राजधानी से पहले इसे प्रेफर किया जाता है। देखिए तो भीड़ कितनी ज़्यादा है स्टेशन में इस ट्रेन के लिए। ये बल्कि 2 AC का कोच है जब ये हाल है, बाकी स्लीपर और जनरल में तो और बुरा हाल होगा। क्या सिकंदराबाद जंक्शन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स गए हुए हैं। आप लोगों ने पूर्णा परभानी वाली लाइन सुनी होगी, साथ साथ यहाँ से धोन के लिए लाइन गई हुई है, कुरनूल होते हुए जो कि आगे चल के गुती होते हुए बैंगलोर और चेन्नई वाली लाइन में अलग हो जाती है, विकाराबाद वाली लाइन मैंने आपको बताई ही, काजीपेट वाली लाइन में हम लोग बढ़ रहे हैं जहाँ से आप लोग विजयवाड़ा वाली लाइन कटते हुए देखेंगे, उससे पहले ही गुंटूर वाली लाइन पर अलग हो जाती है। तो इसीलिए बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 10 प्लेटफॉर्म का है, और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट भारत के हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। मिलता हूँ डिपार्चर में क्योंकि समय अब अपने पास कम है, गाड़ी खुलने वाली है, भीड़ छट चुकी है अब। लो भाई अपनी तेलंगाना को इसके पहले निकाला गया है, बल्कि सेम रूट पे जाना है, उसका अराइवल टाइम बलाश आके पहले तक हमारी ट्रेन के आगे आ गया। और अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस चल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सिकंदराबाद जंक्शन के। ज़्यादा देर नहीं रुकी है, पर भाई टॉप प्रायोरिटी गाड़ी होने का फ़ायदा। एक्सप्रेस यहाँ से पूरी पैक हो चुकी है, इनफैक्ट 2 AC तक हमें ट्रेन में RAC लगा हुआ है, स्लीपर वगैरह में तो छोड़ ही दो अब बात, 3 AC में भी RAC है, 2 AC में भी RAC है, मेरे नीचे की साइड लोअर भी पूरी पैक है। अब साइड अपर में अपनी जर्नी हम लोग को काटनी पड़ेगी, पर हाँ एक चीज़ है AC बहुत तगड़ा चल रहा है गाड़ी का और साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ यहाँ पर। बाकी नींद आपको शायद मेरी आँखों में दिख रही हो, बुरा मत मानना इस चीज़ का, 4 बजे उठा था और रात में 1 बजे तो गरीब रथ में भी सोया था। जब ऐसे ओवरटेक होते हैं ना तो मज़ा आता है। ये राजधानी ट्रेन में वैसे देखने को मिलते थे ओवरटेक वगैरह, पर प्रीमियम ट्रेन होते लगना जैसे तो इसमें भी देखने को मिल ही जाते हैं।
बाकी वहाँ पे गोदावरी एक्सप्रेस आई हुई है विशाखापट्टनम से आने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर वो खड़ी है गोदावरी। राइट साइड जो ट्रैक आपको अलग होते दिखाई दे रहे हैं ना, उस तरफ वो निकल जाते हैं काचेगुड़ा की ओर। मैं ये सभी ट्रैक्स वगैरह आपको इसलिए दिखाता हूँ ना, क्योंकि कभी अगर मान लो आपकी गाड़ी छूट रही हो या आप सो रहे हो, स्टेशन से डिपार्चर हो जाए, तो आपको पता हो कि आपकी ट्रेन जा किस तरफ रही है और कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। तो भाई रूट्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए आपको भी थोड़ी बहुत, जितनी मेरे को है भाई उतना बहुत ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी बता सकूँ। पे अपनी गाड़ी के पेंट्री का बना खाना पीना आ चुका है भाई, पूरा इडली वड़ा कटलेट सभी कुछ अवेलेबल है, तो हमने इडली वड़ा ले लिया है, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो ये अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस का नाश्ता भाई, देखिए क्या है इसमें, इस 40 रुपीस के बॉक्स के अंदर कितने पीस इडली, कितने पीस वड़े, क्या सीन है देखना पड़ेगा। अच्छा, दो प्यारी प्यारी से इडली और दो प्यारे प्यारे से वड़े, अब देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। ये साउथ बाउंड गाड़ी है तो साउथ इंडियन फूड तो अच्छा होना ही चाहिए, लेट्स ट्राई कैसा है। वड़े का स्वाद तो काफ़ी अच्छा है, चटनी एवरेज सी है, मतलब सांभर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट 40 रुपए के हिसाब से काफ़ी बढ़ता है। और ट्रेन भी हमारी अच्छी खासी रफ्तार में बढ़ रही है काजीपेट की ओर। भैया चाय देना, भैया चाय भी देख लेते हैं भाई, गाड़ी की कैसे जो रिव्यू कर ही रहे हैं ब्रेकफास्ट का। तेलंगाना एक्सप्रेस की साफ़ सफाई की तो काफ़ी तारीफ सुनी थी, अब इसका खाने का रिव्यू भी भारी है, क्योंकि कोविड टाइम पे हम लोगों ने जब इसमें ट्रैवल किया था तब खाना पीना तो नहीं मिल रहा था अच्छा। रेडी टू ईट मील्स रहा, और रेडी टू ईट वाली मील्स मिल रही थी, वैसे चाय एवरेज है, मतलब चाय कुछ खास नहीं है, बाकी ब्रेकफास्ट आइटम जो था वो ठीक था। इसे फिनिश किया जाए, मिलता हूँ आप लोगों से काजीपेट जंक्शन में। हम लोग पहुंच रहे हैं काजीपेट जंक्शन, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक लोको शेड देख सकते हो काजीपेट का, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अंदर खड़े रहते हैं, इनके मेंटेनेंस सब कुछ यहीं पे होता है। फाइनली हम लोग काजीपेट जंक्शन पहुंच रहे हैं। 8:23 का अराइवल टाइम था, यहाँ 8:33 हो चुका है, और मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। आप लोगों को मैं डिपार्चर टाइम पे दिखाऊंगा जिसे जंक्शन क्यों कहते हैं। दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन चल चुकी है काजीपेट जंक्शन से। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, जब ये ट्रेन 1976 में चलाई गई थी ना, तब इसके मात्र 6 हॉल्ट थे दिल्ली तक। दोपहर 1:45 PM पे छूटती थी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन 12:50 यानी 12:50 ही पहुँच जाती थी। और इतना ही नहीं, तब इसके हॉल्ट केवल 6 थे और आज इसके 16 हॉल्ट हैं। 1680 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आज की तेलंगाना एक्सप्रेस 26 घंटे का समय लेती है ZBTT के टाइम टेबल के बाद, बल्कि इससे पहले तो ये लगभग 30 आवर्स का समय लेती थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेन में
1976 में 14 कोचेस लगते थे, WDM 2 लोकोमोटिव लगता था, पेंट्री कार भी लगता था, और समय के साथ 1984 के आसपास इसमें ट्विन WDM 2 लगने लगे और साथ ही साथ कोचेस की संख्या 22 हो गई। AC स्लीपर का कॉम्बिनेशन लगता था, लेकिन तब से फर्स्ट AC और पेंट्री कार दोनों इसके शुरुआती दिनों से लग रहे हैं। इसे कहा जाता था ब्लू बुलेट ऑफ इंडियन रेलवेज। कमाल की ट्रेन रही है शुरू के दिनों से ही, और इसकी जो हिस्ट्री है वो मतलब काफ़ी सही है, क्योंकि कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों को एक साथ चलाया गया था ताकि आज़ादी के बाद नॉर्थ से साउथ को एक बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सके। तब इसका नाम आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस था, लेकिन जब 2015 में राज्यों का विभाजन हुआ उसके बाद इसके नाम को चेंज करके तेलंगाना एक्सप्रेस रख दिया गया, और जो ट्रेन नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के बीच में चलती है उसका नाम अब AP एक्सप्रेस है। पहले वो AC एक्सप्रेस थी, AP AC, अब उसमें स्लीपर भी लगता है तो उसका नाम AP एक्सप्रेस है। इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं काजीपेट जंक्शन। फाइनली काजीपेट जंक्शन से हम निकल रहे हैं। भाई चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये गलत बात है, गिरना मत बस। थैंक गॉड बच गया। आप काजीपेट को जंक्शन क्यों कहते हैं, इस चीज़ का जो आंसर है वो यहाँ पे, वो जो ट्रैक आपको जाते हुए दिख रहे हैं ना, वो निकल जाते हैं वरंगल होते हुए विजयवाड़ा की ओर, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी नागपुर वाली लाइन की ओर। और यहाँ पे चेन्नई लाइन से हम लोग अब मिल चुके हैं। सेवाग्राम में ये कर्व और भी खूबसूरत लगेगा। वैसे फिलहाल अपनी ट्रेन अभी काजीपेट वाले कर्व पे है। खूबसूरत सी लेक भी है बाजू में, जिसके बगल से अभी अपनी ट्रेन गुजर रही है। लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताते हैं मुझे लेक का, लेकिन मैं हर बार भूल जाता हूँ, माफ करना इस चीज के लिए। हाँ सूर्य देवता दूसरी तरफ है, इसलिए भाई लाइट कमी है, वो कर रही है, लेक अच्छे कलर्स में चमक नहीं रही आज। तो ये निकली चेन्नई गरीब रथ, चेन्नई गरीब रथ निकल चुकी है और हम लोग पहुंच रहे हैं रामगुंडम, और रामगुंडम इसी के लिए मशहूर है। यहाँ पे आज जो NTPC देख रहे हैं ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। 2600 मेगावाट पावर जनरेट करता है। यहाँ पे हम लोग रामगुंडम जंक्शन पहुँचे हैं। 9:28 का अपना अराइवल टाइम था और हाफ एन आवर का डिले अपना चल रहा है, इसीलिए 9:58 पे हम लोग पहुँचे हैं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। रामगुंडम क्यों फेमस है ये तो आप लोगों ने अराइवल पे ही देख लिया है। NTPC भाई साउथ इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, और साथ ही साथ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड थर्मल पावर प्लांट भी है ये साउथ इंडिया का। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे सेसब वगैरह के बेस कैंप भी हैं, और साथ ही साथ रामगुंडम काफ़ी छोटी सी प्यारी जगह है। वैसे
आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे हिमसागर एक्सप्रेस की जर्नी में कि सत्या भाई तेलंगाना नहीं दिखाया, तेलंगाना रात से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है। इसीलिए मैंने आज पता है क्या किया, डेडिकेटली तेलंगाना एक्सप्रेस ली और तेलंगाना के छोटे छोटे स्टेशन में रुकती है और उनको कवर करता हुआ नागपुर तक यानी महाराष्ट्र तक ट्रैवल कर रहा हूँ। जिनकी बस शिकायत ही थी ना, अगर दूर हो गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी शिकायतें दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। और तेलंगाना एक्सप्रेस भी बहुत ही अच्छी गाड़ी है। चलिए डिपार्चर सिग्नल हो गया, देखते हैं इस डिपार्चर। यहाँ पे रामगुंडम का जो रेलवे स्टेशन है वो तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, ज़्यादा देर रुकती नहीं है ट्रेन, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मात्र 2 मिनट रुकी थी और यहाँ पे पानी वगैरह का स्टॉल जहाँ हमारे एसी कोच है वहाँ तो कुछ नहीं दिखा, तो ट्रेन के अंदर के ही आप स्टॉल से ले सकते हैं जो चीज़ आपको ज़रूरत है। अब दिखाते हैं आपको गोदावरी नदी। निजामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम लोग पहुँच गए मंचिरियाल। रामगुंडम और मंचिरियाल के बीच में गोदावरी नदी का फासला है और साथ में दुरंतो के साथ क्रॉसिंग आपने देखी। भाई ऐसे छोटे छोटे स्टेशन दिखाऊंगा ताकि तेलंगाना वाले जो नाराज़ हुए थे नाराज ना हो मेरे से। देखिए स्टेशन में तो खाने पीने का मुझे इस तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है आगे तरफ हो और जनरल के पास कोई वेंडर वगैरह भी नहीं आए। तो भाई मंचिरियाल रेलवे स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है, हाई स्पीड ट्रेन से हमेशा स्किप कर देते थे, आज ये सभी स्टेशन कवर करने को मिल रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर जो लोग मंचिरियाल से हैं। यहाँ से सिरपुर कागज़ नगर मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो भी जल्दी हमारी ट्रेन पहुँचेगी। वैसे यहाँ हम लोग आधे घंटे के डिले के साथ पहुँचे थे। यहाँ अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस पहुँची है अगले हॉल्ट बेलमपल्ली रेलवे स्टेशन। मतलब इन स्टेशन के बारे में तो मेरे को कुछ खास जानकारी भी नहीं है सच बोलूँ तो, बस कवर कर रहा हूँ क्योंकि तेलंगाना वाले जितने भी स्टॉप हैं इसके सभी आप लोग देख पाओ। ये देखिए गोरखपुर एक्सप्रेस, काफी गजब की रफ्तार में निकली गोरखपुर यशवंतपुर और यहाँ पे तेलंगाना एक्सप्रेस का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी लोकोमोटिव काफ़ी थके थके से लग रहे हैं यार पुराने पुराने से। अब स्टेशनों को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है यार यहाँ पे, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं स्टेशन जितने भी मैंने अब तक देखे ना, सभी अच्छे लगे मुझे। गुड जॉब।
बेलमपल्ली जैसे स्टेशन में ट्रेनें स्किप करती हैं, और आज जब भी अपनी ट्रेन घिसते घिसते जा रही है रुकते रुकाते, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ हम लोग फाइनली जाकर पहुँचे हैं सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन। 10:38 से 40 का टाइम था, यानी 10:38 से 40 तक, और यहाँ ट्रेन का डिले हो चुका है, 11:15 लगभग हो चुके हैं, और तब हमारी गाड़ी पहुँच रही है सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन। कागज नगर में भी कोई वेंडर नहीं देखने को मिला, ना पानी का ना खाने का। अब कागज़ नगर क्यों नाम है समझ गए होंगे। बांस के बहुत सारे खेत आपको डिपार्चर के बाद दिखाऊंगा मैं, जो कि ट्रैक के दोनों तरफ ही होते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे बल्लारशाह। अब तेलंगाना ख़त्म होने वाला है, महाराष्ट्र एंटर करेंगे। तो चलिए, डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है, मात्र 2 ही मिनट का यहाँ पर अपना हॉल्ट था। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है सिरपुर कागज़ नगर आते आते हमारे, और बल्लारशाह का जो सेक्शन है ना, इसे सबसे गर्म सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि ट्रेन का पानी वगैरह भी इनफैक्ट गर्म हो जाता है। वेंडर नहीं देखने को मिले, सबसे बड़ी बात है, ना पानी के ना खाने पीने की चीज़ों के। बाकी लंच सोच रहे हैं ट्रेन से ही कुछ ट्राई किया जाए, तो कुछ ट्रेन का अगर आएगा तो ट्राई करेंगे। ऑर्डर लेने तो पेंट्री वाले आए थे, देखते कुछ ऑर्डर किया जाएगा अभी। बाकी कागज़ नगर से हमारी ट्रेन डीले के साथ चल रही है अच्छा खासा, बैंगलोर राजधानी पीछे पीछे है। पता नहीं ओवरटेक होगा भी नहीं, होगा भी तो कहाँ होगा। वैसे नागपुर से पहले होना तो चाहिए और बल्लारशाह के बाद होना चाहिए। उम्मीद है कि चंद्रपुर में आपको ओवरटेक देखने को मिलेगा। ऐसे बांस के जिन खेतों की मैं बात कर रहा था, ये आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ ही समय में आपको ट्रैक के दोनों तरफ भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली यहाँ अपनी ट्रेन अभी बल्लारशाह जंक्शन पहुँच रही है। बल्लारशाह वाला जो सेक्शन है सबसे गर्म सेक्शन है इस रूट का। बल्लारशाह से चंद्रपुर सेवाग्राम आपको अपना ख्याल रखना है, ज़्यादा अंदर बाहर नहीं करना है ट्रेन में, अगर एसी क्लास में है तो, और अगर स्लीपर में है तो विंडोज़ वगैरह बंद करके रखिए, वरना तबीयत पक्का ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे के पहले स्टेशन में आपका स्वागत है, और हम लोग महाराष्ट्र पहुँच चुके हैं। हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस आ चुकी है महाराष्ट्र के सबसे पहले स्टेशन बल्लारशाह में, जो कि बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे क्रू चेंज वगैरह होता है, ट्रेन की साफ़ सफाई होती है, मेंटेनेंस जो बेसिक की जाती है वो की जाती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, बैंगलोर राजधानी जो बैंगलोर से निज़ामुद्दीन चलती है, वो जस्ट इसके पीछे पीछे आ रही है, और निज़ामुद्दीन से बैंगलोर जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। खैर बीच में मालगाड़ी, इसलिए वो तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फल वगैरह, बिरयानी, रोटी, सब्जी, केले,
और ये सभी चीज़ें स्टेशन में मिल जाएंगी। महानंदा डेयरी के प्रोडक्ट्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं। लस्सी वगैरह मैंने पहले भी ट्राई की है, वो भी अवेलेबल है स्टेशन में, वो भी ट्राई कर सकते हो। 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे, 12:05 में हम लोग पहुँचे हैं, 10 मिनट तक रुकेंगे यहाँ पे। वैसे एक्चुअल अराइवल 12 बजे का, 5 मिनट का डिले खैर चलता है। अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है महाराष्ट्र, गर्मी है एकदम तेज़। आप लोगों को भी अपना ख्याल रखना है अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इस सेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। तो बैंगलोर राजधानी में कोई यूनिक लोकोमोटिव लगा है, मतलब देखने को तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अपनी बैंगलोर राजधानी भी है आज के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अब देखना है कि पहले कौन छूटेगा, तेलंगाना या बैंगलोर राजधानी। मैं तो चाहता हूँ तेलंगाना पहले छूटे ताकि रास्ते में एक बार ओवरटेक जरूर हो अपना। यहाँ राजधानी का भी शेड्यूल डिपार्चर हो चुका है, उसका 12:25 का है, फिर भी तेलंगाना को आगे निकाला जा रहा है। जहाँ तक है कि चंद्रपुर में ही फिर ओवरटेक करवाएंगे अगर ऐसा रहेगा तो। बाकी मेन बात यह है कि ओवरटेक देखने को मिलेगा थोड़ा, इससे थोड़ी सी खुशी हो रही है। बस ओवरटेक भी थोड़ा तेज़ रफ्तार में तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो ये जर्नी वर्थ हो जाएगी। सवार तेलंगाना, ज़्यादा देर की कुछ नहीं है, ओवरटेक में मिलता हूँ आप लोगों से। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग आ चुके हैं लूप पर, मेन लाइन से अभी राजधानी हमें कुछ ही समय में ओवरटेक करने वाली है। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और ट्रेन स्टेशन को स्किप कर रही है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और शायद देखिए भंडक रेलवे स्टेशन है। एपी एक्सप्रेस इतना पीछे आज राजधानी से, बेंगलोर राजधानी से। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने इसकी भी स्पॉटिंग अच्छी मिल गई। बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस, गर्मी बहुत ज़्यादा, अंदर चला जाए। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, दो चावल यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो कहा जाएगा। बाकी यहाँ पे है सब्जी और साथ में इसमें शायद दाल होनी चाहिए। भैया
इसकी किसी भी एंगल से राजधानी की प्लेट की टक्कर की थाली तो ये नहीं लग रही, हाँ लेकिन स्वाद ज़रूर देखना चाहूँगा कैसा है। यहाँ पे अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस की 100 रुपये की थाली आ चुकी है। अब देखते हैं इसमें अंदर चीज़ें क्या है और इसका स्वाद कैसा है। बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि राजधानी की तरह भाई सजा के एक सोहन पापड़ी भी दी गई है, साथ में अचार वगैरह दिए गए हैं। अब भाई देखा जाए खाने का स्वाद कैसा है। पराठे तो एकदम हार्ड लग रहे हैं, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाए इससे। दाल बढ़िया है, देसी दाल लग रही है। सब्जी ट्राई करते हैं आलू की। खाना तो अच्छा है, खैर 100 रुपीज़ के हिसाब से तो वर्थ है। अगर आप इसमें ट्रैवल करो तो स्टेशन वगैरह के खाने से तो लाख गुना अच्छा है इसी खाना लो। बाकी राजधानी वगैरह से कंपेयर किया जाए तो उतना भी उस लेवल का नहीं है। हाँ बाकी क्वालिटी वगैरह खाने की अच्छी है, टेस्ट अच्छा, और सबसे अच्छी बात है कि आपको सीट में बैठे बैठे फ्रेश खाना मिल जाता है। तो यहाँ अपनी गाड़ी सेवाग्राम कर में घूमते हुए और दूसरी तरफ मुंबई अहमदाबाद सावल वाली लाइन आके हमारी ट्रेन से मिल जा रही है। ये दोनों रूट मिला करके नागपुर की ओर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, पर गर्मी बहुत भीषण है, इसलिए अंदर बाहर करना बिल्कुल सेफ नहीं होगा गर्मी के दौरान। इसलिए मैं तो भाई अपना ज़्यादातर समय अंदर ही बिता रहा हूँ ट्रेन में। आ गई थी जो कि गर्व हो के अब सेवाग्राम जंक्शन पहुंच चुकी है। प्रे करो कि गाड़ी रुक जाए क्योंकि मुझे यहीं उतरना है। अगर रुक गई तो इधर मज़ा ही आ जाएगा। वैसे सिग्नल तो अभी तक रेड है। मेरे और श्यांस की वापसी की टिकट थी यहाँ पहुंचने की। फाइनली दोस्तों ये होती है किस्मत। सेवाग्राम में चाहता था ट्रेन रुके, वैसे इसका स्टॉप नहीं था पर आज रुकी क्योंकि मुझे यहीं जाना था और मेरा टिकट था नागपुर से वापस वर्धा के लिए हमारी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में, जो कि 1.5 घंटे ज़्यादा लेट हो चुकी। तो मैं वही सोच रहा था मैं नागपुर में टाइम कैसे काटूंगा और यहां पे अपनी ट्रेन जो है वो सेवाग्राम में रुक गई। मेरी रिटर्न आने वाली जो मेहनत है ना वो पूरी बच गई। अभी श्रेयांश भी ज्वाइन करेगा, वो खैर नागपुर में, वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा गीतांजलि एक्सप्रेस से। बाकी मेरे जो यहाँ के काम है वो निपटा लेता हूँ। हमारे जान पहचान के एक भैया रहते हैं शक्ति भैया, उन्हीं से मिलने जाएंगे हम लोग। फिलहाल दूसरी तरफ से भी कोई गाड़ी स्किप कर रही है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारा मेन टारगेट था तेलंगाना राज्य के जितने स्टॉपेजेस हैं उन्हें कवर करना, और नागपुर वाला ये जो हिस्सा आपने तो वैसे बहुत बार देखा है नागपुर अराइवल। अब सेवाग्राम के बाद नागपुर अराइवल बसता है जो कि रह जाएगा, उसका मुझे कुछ खास अफसोस है नहीं। मिलूंगा जल्दी ही आप लोगों से ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में। और यहाँ पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस वो निकल रही है, स्किप कर रही है सेवाग्राम जंक्शन को, तूफान दुरंतो, जो कि दिल्ली सराय रोहिला से यशवंतपुर के बीच में चलती है। हाँ वैसे बात की जाए तेलंगाना एक्सप्रेस के रिव्यू की तो क्लीनलेस वगैरह बहुत ही अच्छी थी, स्टाफ का रिस्पांस अच्छा था, पेंट्री कार बहुत अच्छा था गाड़ी का, गाड़ी पूरी वेल मेंटेन थी, डेली गाड़ी है उस हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। लेकिन बस हाँ आप लोग से एक चीज़ है कि खाना पीना अगर आप सोचेंगे इसमें बहुत हाइप्ड है बहुत अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नॉर्मल ट्रेन से अच्छा है लेकिन राजधानी से कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जितना समय राजधानी लेती है लगभग ऑलमोस्ट उतना ही समय ये गाड़ी भी लेती है दिल्ली पहुंचाने में, आपको 1-2 घंटे कम ज़्यादा सही। लेकिन राजधानी और दुरंतो में डायनेमिक फेयर आपको देना पड़ता है, जैसे जैसे सीटें भरती हैं किराया बढ़ जाता है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, 3 टायर और 2 टायर के कोचेज हैं, फर्स्ट एसी के कोच है, तो आपको सीट अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाएगी और किराया ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और 24 घंटे में लगभग आप लोग पहुँच जाएंगे नई दिल्ली। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्टडीज द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स एंड फोटोज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारी जर्नीज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।